हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज के वीडियो में रेसिपी है पिज्ज़ा बंस बनाने की। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बंस बनके रेडी होते हैं, बहुत ही टेस्टी स्पाइसी पिज्ज़ा फिलिंग के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बंस के लिए डो बनाना होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस मेजरिंग कप से 3 कप मैदा लिया है, और अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो 340 ग्राम्स होगा ये। इसमें अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून शुगर। उसके बाद हम इसमें ऐड करनी है 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, और अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो ये 10 ग्राम है, और क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है तो मैं इसको अलग से पानी में नहीं घोल रही हूँ, डायरेक्टली इसमें मिला रही हूँ। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड होगा 1/2 कप दूध। तो ये दूध जो है ये रूम टेम्परेचर पर है, ना गर्म है और ना ही ठंडा है। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और उसके बाद हमें इसका डो तैयार करना है, और उसके लिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे ल्यूक वार्म यानी कि नीम गर्म पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लीजिएगा, उससे यीस्ट जो है वो किल हो जाती है और ठंडे से एक्टिवेट नहीं हो पाती, तो बस वो हल्का सा ल्यूक वार्म होना चाहिए। तो यहाँ पर इस डो को रेडी करने के लिए लगभग 1 कप के करीब तो पानी लग ही जाएगा, बट स्टिल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि वो ल्यूकवार्म होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डो जो एक साथ ही थोड़ा कंबाइंड हो गया है, अभी ये बहुत स्टिकी फील होगा लेकिन कोई बात नहीं। इस पॉइंट पर आप एक पैन इस तरह से या किसी अलग बोल लीजिएगा, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इस डो को उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और उसके बाद क्योंकि आपने इस पर अब ऑयल लगा दिया है तो आप ईजिली इसको नीट कर पाएंगे। इस तरह से 30 सेकेंड से लेके 1 या 2 मिनट तक आप उसे इस तरह से नीट कर ले, और इस पॉइंट पे अच्छे से उसको पूरे से ऑयल से ग्रीस करके इसको ढक कर हमें किसी वार्म प्लेस पर रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, ये जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। जब तक हमारा डो राइज हो रहा है, हम तैयार करते हैं बंस के लिए स्टफिंग। तो यहाँ पर इस पैन में मैंने लिया 1 टेबल स्पून ऑयल, और 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा जब इसका कलर हो जाए थोड़ा सा, जिसके इस तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ की कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। स्टफिंग तो बिल्कुल आपकी चॉइस पर है, जैसे भी आप चाहें बना सकते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट ऐड करें। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक, और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून भरकर ब्लैक पेपर पाउडर। इसी पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ओरिगैनो, या फिर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पनीर बारीक कटा हुआ, यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर रही हूँ। तो आपको इसकी कुकिंग जब तक करनी है जब तक कि आप देखें कि प्याज और शिमला मिर्च का जो वाटर रिलीज होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस स्टफिंग में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स भी यूज़ करा है, और लास्ट में 2 बड़े चम्मच अच्छे से भर कर इसमें डाला है पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से इसको मिक्स करें। इस पॉइंट पे आप स्टफिंग को टेस्ट कर लें, नमक वगैरह जो भी आप एडजस्ट करना चाहे कर दें। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये स्टफिंग रेडी है, इसको एक साइड में रख देंगे। दूसरी साइड डो को राइज होते हुए भी 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो उसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये डो राइज हुआ है। हल्के से इसको पंच करके इसमें जो एयर है उसको रिलीज़ कर देंगे, और अब हम इसको नीट करेंगे। तो इसको मैं एक साफ़ बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि वो छोटा था तो उसमें इसको गूंदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थोड़ा सूखा मैदा, तो लगभग 1/4 कप के करीब मैदा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालें और इसे गूंदना शुरू करें। हमें इसे तब तक नीट करना है जब तक कि ये एकदम नॉनस्टिक डो ना हो जाए, बिल्कुल हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी में आ जाए जैसे कि नॉर्मल हमारा रोटी चपाती वाला आटा होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से ये हो गया है कम्बाइंड, बिल्कुल भी अब स्टिकी भी नहीं है। थोड़ा सा मैदा और यहाँ पे लगा के अब हमने इसके बंस बनाने शुरू करने हैं। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी बॉल्स में इक्वल पोर्शंस में इस पूरे डो को डिवाइड कर दूंगी। साइज अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा, मैंने तो एक नॉर्मल जितना हम पूरी के लिए आटा लेते हैं उतने साइज लिया है। थोड़ा सा इस पेड़े को लेकर हम हल्का सा इसको अब रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा रोल नहीं करना है। देखिए इस तरह से बहुत ही हल्का सा इसको रोल करेंगे, और अब हम इसको इस तरह से हाथ में लेंगे और बीच में इस तरह से स्पेस करके इसमें प्लेस करेंगे तैयार की हुई स्टफिंग।
तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब ले रही हूँ स्टफिंग, और साथ ही ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पिज्ज़ा चीज़। अब इसको बहुत ही केयरफुली और टाइट हाथ से इस तरह से सील कर दें, बस अच्छे से इसको सील कर दीजिएगा और इसकी शेप को इवन करके राउंड कर लें। इसी तरह से सारे बंस जो है हमने तैयार कर लेने हैं। सारे बंस को इसी सेम प्रोसेस से तैयार कर लें। आप चाहें तो इसको चीज़ के बिना भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ। ऐसे करके सारे बंस को रेडी कर लें। तैयार किए हुए बंस को बेकिंग ट्रे पर इस तरह से प्लेस कर दें। इसको ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। बेक करने से पहले हमें इस पर लगाना है एग वॉश, या फिर आप मिल्क भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने लिया है। अब इस पर हमने कुछ स्प्रिंकल करना है, तो यहाँ पर मैं कलौंजी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सेसमे सीड भी यूज़ कर सकते हैं। और ओवन को 180 डिग्री पर मैंने प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। यहाँ पर मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। प्लीज़ सब ओवन की सेटिंग डिफरेंट होती है, तो आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे तो यहाँ पर 20 मिनट्स लगे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्टली बेक करे हुए ये हमारे बंस तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अच्छा से इसमें इवन एकदम कलर आया है। ये देखिए नीचे से भी, साइड से, हर तरफ से बहुत अच्छे से बेक हुए हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।